गुमला में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुकों के बीच वितरित किए गए बकरा बकरी को देखकर उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा भड़क गए। मानक के अनुरूप बकरा बकरी को नहीं देखकर सप्लायर को जेल भेज देने तक की धमकी दी और तत्काल बकरा बकरी को लाभुकों के बीच नहीं बांटने का निर्देश आईटीडी से निदेशक को दिया गया। वहीं सप्लायर को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही है। 34 लाभुकों के बीच बकरा बकरी और 15 लाभुकों के बीच बतख चूजे का वितरण किया जाना था। वहीं आईटीडीए निदेशक इंदु गुप्ता ने कहा कि सप्लायर से मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। वो विभाग सही है, गुमला जिला के लिए इसी एजेंसी को ऑर्डर मिला हुआ है, तो हमारी मजबूरी है कि इनको देना। और आज जो वो लाया है निर्धारित वेट से कम, तो उसका वितरण नहीं होगा। जो निर्धारित वेट के अनुसार है आपको लिख दिया जाएगा कि ये निर्धारित मापदंड के अनुसार सप्लाई करने में सक्षम नहीं है, तो अन्य एजेंसी को वो करेंगे या फिर हम लोग को देंगे कि हम लोग जो अदर एजेंसी जो इस तरह का मापदंड दे रहे हैं इसका। और पूरे जिले में लगभग अभी 400 ऐसा कार्यक्रम और बकरा बकरी एवं बत्तख का कार्यक्रम लाभुकों को हम लोग करेंगे। इसका उद्देश्य यहाँ के जो ग्रामीण जनता हैं, जो हम लोगों के गांव के जनता हैं, उनका आर्थिक विकास हम लोगों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।